तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा अब ऐसे फेज में आ चुकी है जहां समझ लो उसके अगले या अगले महीने तक ये मांगा खत्म की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल लेकिन एक साल से यही बना हुआ है, आखिर गैस को हराएगा कौन। अब देखो हम एक साल से यही चीज को बार बार गोल गोल घुमा घुमा के पूछ रहे हैं कि आखिर गैस को हराएगा कौन। अभी तक गैस के सामने गोकू 10 बार खड़ा होके हार गया, वेजिटा 10 बार खड़ा होके हार गया, ग्रेनोला तो खैर मरने के कगार पर आ गया था। उसको जैसे तैसे गोकू ने भेजा कि भाई तू रहन दे, इन सब में तू मत पड़। अब देखो ये आर्क का मैं सीरियसली एक मिक्स रिएक्शन बताता हूँ। बार्डोक आया मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा देखकर लगा कि हाँ ये आर्क स्टोरी डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी बात घूम फिर के वहीं अटक जाती है, आखिर अब गैस को हराएगा कौन। अब मैं एक ऐसे व्यू पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ अगर कुछ मिराकल से भी गैस हार जाए, या गोकू ही हरा दे कुछ नया करके, या वेजिटा ही हरा दे कुछ भी नया करके, या ग्रेनोला एक बार फिर खड़ा हो जाए गैस के सामने, मैं सीरियसली ये नहीं कहूंगा कि अरे क्या अलग हो गया, ये तो किसी को उम्मीद नहीं थी। तुम खुद सोचो, चलो मेरी बात को हटाओ तो तुम कहोगे मैं तुम्हारा ओपिनियन बना रहा हूँ। चलो अगले चैप्टर में मिराकल हुआ, गोकू ने या वेजिटा ने या ग्रेनोला ने या तीनों ने मिलके गैस को हरा दिया, क्या आप भी मेरी तरह घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हो? तो आओ एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी भारी भरकम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, सिंपल गूगल पर सर्च करो www.skillclash.com, साइन अप के दौरान याद से नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना लेटेस्ट ऑफर्स और टूर्नामेंट्स की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। यहाँ पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी फ्री में। यही सोच रहे हो ना जीते हुए पैसे कैसे निकाले, तो फटाफट ट्रांसफर करो UPI और Amazon पे में, यहाँ तक कि अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिचार्ज भी करा सकते हो। सबसे यूनिक बात तो ये है, यहाँ हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। अभी स्किल क्लैश पर 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, तो दोस्तों वेट किसका कर रहे हो, तुरंत स्किल क्लैश पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट्स खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइजेस भी जीतने का मौका पाओ, है ना कमाल की बात। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तुम्हें कुछ सोचने में भी थोड़ा सा भी फील हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये चीज तब होती अगर यही चीज बहुत पहले हो जाती। लेकिन बार बार गोकू वेजिटा को गिरा गिरा के उठाना, 10 बार और 10 बार में से एक बार जीतना, फिर मेरे लिए वो कहानी स्ट्रेच हो जाती है, गोकू का नहीं लेकिन वेजिटा के लिए, कि भाई तुमने उसको इतने दिन बाद 7-8 साल बाद न्यू फॉर्म दिया और उसमें भी उसको 3-4 बार हरवा दिया। मतलब न्यू फॉर्म शुरुआत में नहीं, आखिरियत में लाके अगर तुम गैस को उसे हरवाते तब मैं समझता हाँ चलो आर्क खत्म हुआ और इस बार आर्क का हीरो वेजिटा बन गया। लेकिन ग्रेनोला की आर्क की शुरुआत में ही वेजिटा को अल्ट्रा ईगो दे दिया और इतनी बुरी तरीके से पिटा है वेजिटा का मांगा में अल्ट्रा ईगो कि वेजिटा खुद अधमरी हालत में, यानी कि वो फॉर्म देने के बाद वेजिटा को अपग्रेड नहीं डिग्रेड किया गया है। पहले हम देखते थे कि फॉर्म को काफी साल बाद काफी आर्क के बाद डिग्रेड किया जाता था, इतना जल्दी तो सुपर सेन या तो सुपर सेन ब्लू या तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिग्रेड नहीं किया गया। और ये सब तुम अच्छे से जानते हो, टोरियामा हमेशा वेजिटा से ज्यादा गोकू को फेवर करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक डोमेन का डिस्कशन है, और ऐसा क्यों करते हैं वो, इसका रीजन मैं नहीं जानता। खैर अब पॉइंट की बात पर आते हैं कि आखिर गैस को हराया कैसे जाएगा, क्या गोकू वेजिटा गैस को खत्म कर देंगे। देखो अब ऐसा लग रहा है कि शायद गोकू तो गैस को नहीं मारने वाला, क्योंकि गोकू समझ चुका है कि गैस का ब्रेन वॉश किया है एलेक ने, गैस उसके लिए कोई पर्सनल थ्रेट नहीं है। और जहां तक बात है क्या गोकू और वेजिटा 1% भी चांस है कि गोजिटा का इस्तेमाल करेंगे, ये देखो बताना सीरियसली मेरे लिए काफी मुश्किल है कि गोजिटा गोकू और वेजिटा यूज भी करेंगे या नहीं। देखो पॉसिबिलिटीज यहाँ से दिखती है कि गोकू वेजिटा 10 बार भी खड़े होके नहीं हरा पाए गैस को, तो उनके पास फ्यूजन के अलावा अब रास्ता ही क्या बचा है। आने को तो गोजिटा आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोकू और वेजिटा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गैस के अगेंस्ट, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो शायद गोजिटा का यूज नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूं बहुत लोग ये चीज कहोगे कि हाँ यार तुम भी नहीं सोचते गोजिटा का यूज किया जाएगा, लेकिन मेरे व्यूवर्स में से काफी बड़ा फैन बेस है जो गोजिटा का है, तो वो हर चीज में गोजिटा के चांसेस देखने लगते हैं कि अब तो गोजिटा आना है, अब तो गोजिटा का आना कंफर्म हो चुका है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि नहीं भाई, एज पर माई इन्फो और मेरे जितने भी इंटरनल सोर्सेस हैं, फिलहाल अभी तक के लिए गोजिटा कंफर्म नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड तुम लोग बहुत क्यूरियस रहते हो इस चीज को लेके कि अगर ये बार गोजिटा आ गया तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। वो देखो वो तो वैसे भी फ्यूचर में कभी ना कभी तो तुम्हें देखना
करना ही है। लेकिन ये आर्क में गोजीटा को लाना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये आर्क जो ड्रैगन बॉल को बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा है वो भी यही बोलेगा कि ये आर्क की जिस हिसाब से शुरुआत से राइटिंग की गई है और अचानक में आखिरी के चैप्टर में अच्छी राइटिंग करके गोजीटा को ला दिया गया, तो ये वही मसला होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, या फिर गोजीटा को तुम तब लाते जब एक हाइप क्रिएट होती पहले से, राइटिंग ऐसे लेवल पर होती जहां अगर गोजीटा को ला दिया जाता तो वो सोने पर सुहाग जैसे वाली बात हो जाती। लेकिन इस बात के सब गवाह है, ग्रेनुला आर्क की जो राइटिंग है तुम्हारे सामने है और आर्क को खत्म होने में सिर्फ एक दो चैप्टर बाकी है और उन एक चैप्टर में लाया गया गोजीटा को, तो वो कहीं ना कहीं स्टोरी को और डाउनग्रेड कर देगी। फिर से दोहरा देता हूँ, गोजीटा की जो आस लगा के बैठे हैं फिलहाल ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं है कि गोजीटा इसमें आएगा और ऑलमोस्ट आर्क पूरा खत्म हो चुका है, तो एक चैप्टर के लिए गोजीटा को नहीं डालेंगे। देखो अब आ गया वो मिराकल ही होगा सभी फैंस के लिए, लाइक कौन नहीं चाहता गोजीटा को एकदम आखिरी में देखना। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना यार, अब तुम आखिरी में ज़ेनो क्या ग्रैंड प्रीस्ट को भी लाके मरवा दोगे ना गैस को? आई डोंट नो वो बटन गोकू के पास हो गया या नहीं, लेकिन अगर ज़ेनो भी आ जाए एकदम आखिरी में तो मुझे इतना शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज अब कोई चॉइस नहीं है। फिर से रिपीट करूंगा, गोकू वेजिटा 10-10 बार उठ के गिर चुके हैं और एक बार में वो हरा देंगे या तो कुछ मिरेकल हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक यार मैं उससे सेटिस्फाइड रहूंगा। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भाई तो तू चाहता क्या है? देखो मैं जहां तक अभी तक ये पूरा आर्क देखा हूं तो ये मैं सीधा कहूंगा, तुम बुरा मानो या अच्छा मानो या कंबल के अंदर घुस के रो, मांगा में काफी सारी चीज ऐसी हुई है जो काफी यूजलेस थी, उसका कोई सेंस नहीं बनता था। फालतू का ग्रेनुला की मांगा को स्ट्रेच किया गया और अल्ट्रा ईगो को और अच्छी तरीके से परफॉर्म कराया जा सकता था। ये मांगा 7-8 चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी जा सकती थी, लेकिन अब कुछ रीजंस होंगे जिसके वजह से इसको स्ट्रेच किया गया। अब देखो इसको एक और बेटर वे में स्ट्रेच किया जा सकता था और जा सकता है। अब स्टोरी में सबसे बेस्ट है ग्रेनुला को वापस भेजो और ग्रेनुला को कहो कि वो गैस को जितनी देर तक होल्ड कर सकता है उतने देर तक गैस को होल्ड करे, जिससे गोकू और वेजिटा को टाइम मिले और स्पेस मिले फ्यूजन डांस करने का, जिससे फेल भी फ्यूजन हो जाए तो उनके पास पूरा टाइम रहे, और जब तक ग्रेनुला होल्ड करेगा तो गोकू और वेजिटा को टाइम मिलेगा फ्यूजन डांस प्ले करने का, और एक बार अगर फ्यूजन हो गया तो गैस की गैस फिर गोजीटा अच्छे से निकालेगा। और मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि गोजीटा को अब लाने के लिए और लंबा स्ट्रेच चाहिए होगा। फिर स्टोरी ये वे में जाएगी कि ग्रेनुला एक बार फिर आया और फिर से वो गैस के सामने फुल पावर में गैस से लड़ रहा है, फिर उसकी मरने जैसी हालत हो गई, 2-3 चैप्टर यही रिपीट होते गया, फिर गोकू और वेजिटा उनसे दूर उनके पीछे फ्यूजन की प्रैक्टिस करते होंगे, तो ये और लंबा खिंच जाएगा और ये फैंस में और ज्यादा आएगा स्टोरी को लेके एक बोरियत फैलाएगा कि यार डिसाइड कर लो पहले करना क्या है। इवन DBS क्रॉनिकल्स जो खुद है उसने भी ये स्टोरी डाला था कि ये जो ग्रेनुला का आर्क है वो इसके स्पॉयलर्स को कवर कर करके थक गया, और वो मुझे भी कह रहा था कि यार मैं ग्रेनुला की स्टोरी से परेशान हो चुका हूँ, बोलता है भाई 2 साल से स्पॉयलर दे रहा हूँ लेकिन हर महीने कुछ नया देखने को ही नहीं मिल रहा, हर अगले महीने देखो वेजिटा खड़ा हुआ वो हार गया, फिर अगले महीने गोकू खड़ा हुआ फिर वो भी हार गया, फिर उसके अगले महीने फिर से वेजिटा, उसके अगले महीने फिर से गोकू, बस स्टोरी इन्हीं दो लोग में पूरी की पूरी फंस चुकी है और बीच में बस वो 2-3 चैप्टर बस बारडॉक के दे दिए थे बस, और ये आप लोग भी फील कर रहे होंगे। इन दी एंड कम्युनिटी में आज के वक्त में ट्विटर पर और इंस्टा पर मैंने देखा गोजीटा को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन है कि बहुत से लोग सोचते हैं ये आर्क के एंड में गोजीटा तो आएगा ही, अगर गैस को हराना है तो गोजीटा से ज्यादा आसान ये और किसी के लिए नहीं होने वाला। सी ये बात सच है, गोजीटा आ गया वो गैस को अपनी 2 उंगलियों पर नचाएगा, बकरा बना के पूरा खेत चरवाएगा गैस से अगर गोजीटा आ गया तो। लेकिन एज पर ऑफिशियल सोर्स जून के महीने के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज को लेके कि गोजीटा आएगा। अगर तुम चाहते हो मैं सच्ची में पता करूं कि क्या ग्रेनुला के पूरे आर्क के एंडिंग तक में गोजीटा का कोई रोल है तो मैं पता करता हूं। जहां तक मुझे लगता कि ये आर्क में क्या होगा, अगर मैं तुम्हें सच कहूं, इतिहास में भी गैस हारा नहीं था, गैस चला गया था, इतिहास में भी बारडॉक ने गैस को खत्म नहीं किया था, तो हाँ ये काफी मुमकिन है गैस एक पॉइंट आने पर इतना एग्जॉस्ट हो जाए कि उसकी बॉडी वगैरह पूरी लॉक हो जाएगी, मतलब चलने की या उसमें कुछ देखने की हिम्मत तक उसमें नहीं बचेगी। और गोकू ऑलरेडी इसके हिंट्स दे चुका है और एलेक को कि एलेक गैस को कहो वो अपनी लिमिट्स को ज्यादा पुश ना करे, क्योंकि उसे पता है कि इसकी बॉडी लॉक हो सकती है। तो ये आर्क का एंडिंग तुम ऐसा देखोगे कि कुछ नहीं हुआ, मैच टाई हो गया, गैस पूरा बेहोश हो गया और एलेक गैस को उठा रहा है कि भाई उठ कुछ भी करके गोकू और वेजिटा को मार, और गैस को एलेक लेके भाग गया, या शायद एलेक खुद ही गैस को ना मार दे या गैस एलेक को ना मार दे। और तुम ये समझ सकते हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो हाँ यार
तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कल की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते, कल आएगी हमारे चैनल पे परसों 9:30 बजे सुबह आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आप अपडेट्स को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। अभी मैंने अपने दोस्त के साथ रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जी सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन रखना।